हॉस्पिटल आए हैं, बहुत भीड़ है हॉस्पिटल में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 8 बजे हैं, मैं अभी सो के उठा हूँ, सीधा छत पे चढ़ गया हूँ क्योंकि नीचे रूम में पोछा ओछा लग रहा था, तो मैं सीधा छत पे चढ़ गया सोकर के उठा और चाय पी लिया हूँ। अभी जाता हूँ, देखता हूँ नीचे में पोछा लगा कि नहीं लगा, क्या हो रहा है नीचे, मैं देखता हूँ जा कर के। तो वॉशिंग मशीन से कपड़ा निकालने के लिए जा रहा हूँ, अभी उधर वॉशिंग मशीन है, वो कपड़े को वॉशिंग मशीन से निकाल के यहाँ पे रखी है, इसको मैं धोऊंगा अभी। तो अभी पापा के कपड़े डाला हूँ वॉशिंग मशीन में, मेरा कपड़ा निकल गया है पूरा। और सुबह सुबह उठ गए, लेकिन अभी रूम में झाड़ू नहीं लगाई है और बैठ करके चाय पी रही थी और मोबाइल चला रही है। बाकी सब काम कर लिया है, झाड़ू पोछा बाहर का, लेकिन रूम में बचे हैं। और कपड़ा को वॉशिंग मशीन में डाल कर गया है, जिसको मैं निकालूंगा और निकाल करके उसको पानी से मैं धोऊंगा। तो अभी नहा वहा के रोटी खाने का टाइम हो गया है, और टमाटर चटनी और रोटी, और ये पर्स को रख के भूल गई थी, अब मिल गया मिल गया। अभी हम लोग भालोत जा रहे हैं, नेहा और मैं, नेहा को ले जा रहा हूँ भालोत का हॉस्पिटल। आधार कार्ड ज़रूरत पड़ने वाला है, इसलिए मशीन है घर में, तो आधार कार्ड का डुप्लीकेट भी कर दिया घर में, और अभी निकल रहे हैं हम लोग भालोत के लिए। हॉस्पिटल आए हैं, बहुत भीड़ है हॉस्पिटल में, रोड बन रहा है तो पूरा रोड को खन दिया हॉस्पिटल वाले, अंदर जाने की जगह को थोड़ा सा बस बचा है, पूरा रोड नया बन रहा है इस कारण। तो अभी घर आ गए हैं और रिपोर्ट लेकर के घर आए हैं अभी वापस, बहुत टाइम लग गया, शाम हो गया है, 3:30-4 बज गए हैं। अभी आते ही कपड़ा निकालने के लिए छत में चढ़ गई, क्या मतलब अभी कपड़ा निकालने इस तरह को, तो मेरा कपड़ा तो निकल गया नीचे चला गया, वो कच्चा है, वो वाला टी शर्ट निकल गया मेरा, वो वाला 2-3 सुखाया था ना, ये कच्चा है, रहने दे, बाकी सब तो निकल गया। खाना वाना खाया नहीं, 3:30 बज गए 4, और अभी खाना खा रहे हैं, वहाँ नाश्ता किए थे, समोसा खाई थी ना। अभी खाना खाया और कुछ काम से भी अपने को चिकोसा जाना है, गुंडरदी मार्केट है, धमतरी चौक गुंडरदी। मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ और भाई गया है उधर पंजाब नेशनल बैंक ATM। और अभी 5:30-6 बज गए हैं, हम लोग आ गए हैं वापस घर, और ये अभी सो करके उठी है, बाल को संवारने में लगी है, अभी सो करके उठी है, का बताऊं। हाँ तो भले तू नहीं जानती, मैं जानता हूँ सच में, आ तो रहे हैं 4 लोग आ रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, बताऊँ कौन कौन आ रहा है बताऊं, जान डरे मत बता, 2 सीनियर लोग, जान डरे मत बता, और एक और सीनियर हैं, और एक हीरो है इस घर का, चाय के साथ बिस्किट, बिस्किट चाय, अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या, बिस्किट बचा है। और मेरा जींस अभी तक सूखा नहीं है, उसको ले जाने के लिए आया हूँ। ये रहा, शाम हो गया है, देखो रात होने वाला है, लेकिन अभी तक ये कच्चा का कच्चा है, सुबह से सूखा है। हम लोग फिर से सिकोर से जाने वाले हैं, क्योंकि वीर आ रहा है और उसके पापा और मम्मी आ रहे हैं, तो सिकोसा रेलवे स्टेशन जा रहे हैं लाने के लिए उन लोगों को। रात में कीड़ा बहुत उड़ता है, इसलिए आई प्रोटेक्टर बहुत ज़रूरी है। तो अभी सिकोसा रेलवे स्टेशन तो आ गए, इधर बहुत अंधेरा है, लाइट ज़्यादा है नहीं सिकोसा रेलवे स्टेशन पर, और ट्रेन भी आ गया है। रोनू 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 दवाई पिए बस, मेरे को भूख लग रहा है, खाना दो करके मैं बोला, अरे खुद निकाल करके लाई और अपने खाने लग गई। मैं दिन भर खाऊंगा।
मैं क्या जानू दिन भर खाए कि नहीं खाए, तो खुद निकाल के खा रही है। मैं मंगा तो मेरे को नहीं दी, अपने भी खा रही। बाबू, ए बाबू सोया है, सो जा सो जा। खाना खाएगा क्या? खाना खाएगा, हम लोग खा लिए। सो गई क्या? मैं समझा सो गई, ये मोबाइल चला रही है। ठीक है मोबाइल चला, बढ़िया है। इतना देर हो गया, कितने देर तक मोबाइल चलाएगी? सो चल। गाना मत गा, सो जा चल, बहुत देर हो गया है, रात हो गया है। हेलो, रात के अभी 10 बज चुके हैं, सभी लोग सोने के लिए चले गए, हम लोग भी सो रहे हैं अभी, बहुत लेट हो गया है। तो अब सभी लोग घर में आ गए हैं, भाई आ गए हैं और बड़े भाई भी वापस आए हैं। तो वीर भी आया है, जब से आया रो रहा है वीर। वीर बहुत दिनों बाद आता है ना, जब भी आता है घर में तो वो रहता है, एक दिन तो रोता ही है वो, अगले दिन चुप होता है, पहचानता है सबको, उसको पहचानने में बहुत समय लगता है। अभी सिर्फ मम्मी बस को पहचान रहा है, कल होगा ना तो सबको पहचान जाएगा वो। और छोटा बाबू तो अभी सोया है, आराम कर रहा है, वो सोया मस्त हो गया, उसको 2-3 घंटे हो गए अब से सोया है, जब से उसका मालिश वालिश हुआ है वो आराम ही कर रहा है। तो सभी लोग अभी सोने के लिए चले गए, तो टाइम हो गया सोने का। और इस वाले ब्लॉग को यहीं करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।